हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है दोस्तों, और आज हम जीएसटी में एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर। दोस्तों, आज तक रियल एस्टेट सेक्टर ऑफकोर्स अपने आप में हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इसका रोल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं इसमें बहुत सारी उठापटक है, बहुत सारे टर्मोइल्स हैं और सिचुएशन बड़ी कंट्रोलेबल नहीं है। अब आज प्रेजेंट अगर हम जीएसटी की बात करें रियल एस्टेट पे, तो 18% जीएसटी लगता है और उसके साथ हमें एक डिडक्शन अवेलेबल है 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई की, विच इज ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड। क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ट्रांसफर करते हैं तो वो अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड भी देते हैं, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लैंड भी देते हैं। तो उसके लिए 18% को जब 1/3 हम रिड्यूस कर देते हैं तो 2/3 ऑफ 18 आता है 12%। तो इफेक्टिव रेट है 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट सारे अवेलेबल हैं बिल्डर को। अब 24 फरवरी को 33वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में एक प्रपोजल आया, उन्होंने कहा कि भी हम रियल एस्टेट सेक्टर को एक बूस्ट देना चाहते हैं, एक बूस्टर डोज देना चाहते हैं, जिससे कि वो खड़ा हो जाए और चलना शुरू कर दे, जितने भी आपकी इन्वेंटरीज पड़ी हैं वो आसानी से बिक जाएं, लोगों के लिए ये चीपर हो जाए रियल एस्टेट। क्योंकि सबसे जरूरी बात, हम जब कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, जो मकान है वो हमारी बेसिक नेसेसिटी है और वो बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो सरकार का अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का या सबका मकान का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 24 फरवरी को प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा कि हम जो नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, उसके ऊपर जीएसटी रेट कर देंगे 5%। ये प्रपोजल है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा ये एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल होता है जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी। हालांकि प्रपोजल में उन्होंने कहा कि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से इफेक्टिव हो जाएगा, तो हम एज्यूम करते हैं कि उससे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी और ये इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर हम 1% जीएसटी रेट प्रपोज करते हैं विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब समस्या यहां पर यह है कि कमर्शियल जो है वो सेपरेट रहा है, कमर्शियल को टच नहीं किया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेट है वो 18% विद लेसिंग डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ लैंड 12% आएगा, उसके ऊपर टच नहीं किया है। उसके बाद आगे जो बात आती है, उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट को भी टैक्सेबिलिटी के ऊपर था प्रॉब्लम, तो उसमें उन्होंने कहा कि भी वो अगर आप टैक्स रेट 5% लगाते हैं ऐसी हाउसिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप टैक्स रेट 5% लगा रहे हैं, मतलब विदाउट इनपुट टैक्स, तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट टीडीआर जो है वो एग्जेम्प्ट है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चेंज नहीं है। अब जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो दो कंडीशंस उन्होंने हमें दी हैं। उन्होंने कहा पहले तो पूरी कंट्री को उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उन्होंने कहा कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज और एक नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, और दिल्ली में उन्होंने एनसीआर को इंक्लूड किया और मुंबई में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को इंक्लूड किया, एमएमआर को इंक्लूड किया। एनसीआर में उन्होंने सारा एनसीआर नहीं लिया, सिर्फ गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, ये सब ही एनसीआर में उन्होंने लिया। पहली कंडीशन उन्होंने कहा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कि आपका जो कार्पेट एरिया है उस हाउसिंग प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी का, वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा, अप टू 60 स्क्वायर मीटर ही हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने कहा कि जो उसकी वैल्यू है उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वो 45 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, अप टू 45 लाख। ये मेट्रोपॉलिटन में, नॉन मेट्रोपॉलिटन में जो 60 स्क्वायर मीटर है उसको 90 स्क्वायर मीटर अप टू 90 स्क्वायर मीटर कर दिया, लेकिन मेट्रोपॉलिटन और नॉन मेट्रोपॉलिटन में जो वैल्यू है वो 45 लाख ही रही है। समझ में नहीं आया कि जब आप कारपेट एरिया एक जगह 60 रख रहे हैं, एक जगह 90 रख रहे हैं, तो आप कौन सी प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे हैं मेट्रोपॉलिटन में जो 45 लाख रुपए में, वही सेम प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए में मेट्रोपॉलिटन में मिल जाएगी और 90 स्क्वायर मीटर की वही उसी तरह की प्रॉपर्टी 45 लाख रुपए में नॉन मेट्रोपॉलिटन में मिल जाएगी। तो ये बड़ा बेसिक समझ नहीं आया एनीवेज, लेकिन ये दो कंडीशंस हमें मीट करनी है साइमल्टेनियसली, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी, उसके ऊपर रेट होगा 1% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, नोटिफिकेशन 11/2017 में एक्सप्लेनेशन 4 एक एडिड है, उसमें लिखा गया है कि जहां पर भी रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड होता है विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में भी रेट ऑफ टैक्स, टूर एंड ट्रेवल के केस में भी रेट ऑफ टैक्स 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रिस्क्राइब्ड है, उस तरह की सप्लाई को हम जो है हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 की सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में ट्रीट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो एग्जेम्प्ट सप्लाई, जैसे ही हम इस सप्लाई को ट्रीट करेंगे तो रिवर्सल की रूल 42 रूल 43 की लायबिलिटी आ जाएगी। अब हमने पूरा बेसिक पढ़ा कि होने क्या वाला है,
इसको जो जो होना है इसमें कुछ चैलेंजेस हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। जब मैं ये वीडियो डिजाइन कर रहा था तो जब मैं ये सोच रहा था, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की बजाय लोगों को, व्यूअर्स को कहीं ना कहीं पेंडोरास बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पर मैंने क्वेश्चंस खोल दिए कि इन इस प्रपोजल से क्या क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। मैंने 8 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं इसमें। सबसे पहला कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी जो है वो, कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों है, उस केस में कौन सा रेट लगेगा। फिर उसके बाद जो अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, वो विदाउट लैंड कंस्ट्रक्शन है, मतलब सिर्फ आपने कंसिडरेशन के लिए कंस्ट्रक्शन किया, लैंड बिलोंग्स टू समबडी एल्स, तो क्या होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में क्या होगा, कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो बिफोर 31 मार्च बिक गई हैं, कुछ प्रॉपर्टी कुछ यूनिट्स है उसी में, उसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में वो 31 मार्च के बाद बिकेंगी, तो उसका क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, आईटीसी का क्या होगा, जो आईटीसी मेरे पास 31 मार्च को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिलेटिंग में पड़ा होगा उसको क्या रिवर्स करना पड़ेगा, या वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, या क्या करूंगा, ये चीज सरकार को सोचनी पड़ेगी। जो 31 मार्च 2019 को नॉर्मल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा मेरे पास, जो कि मैं अभी तो मेरी टैक्सेबल है 18% पे, फिर वो 5% पे टैक्सेबल हो जाएगी, तो 31 मार्च 2019 को जो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा होगा उसका क्या होगा। उसके बाद जो 45 लाख की जो लिमिट है, इस 45 लाख की लिमिट में क्या जीएसटी इंक्लूडेड है, 1% या 5% जो भी लगाना है, क्या इसमें वो पीएलसी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, क्लब फैसिलिटी चार्जेस, वो सब चार्जेस भी इंक्लूड होंगे 45 लाख में, ये भी सोचने वाली बात है। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कि इनवर्ड सप्लाईज जो हैं, इनवर्ड सप्लाईज जब बिल्डर रिसीव करेगा वो क्या नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे ही टैक्स रहेंगी या उसमें भी कोई चेंज आएगा। फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि सेक्शन 17(2) की सप्लाई एग्जम्प्ट सप्लाई बनती है, तो रूल 42-43 लग जाएगा, उसके लिए प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा तरीका कि किसको रिवर्सल कैसे करना है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंटी प्रॉफिट रिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा कि जब बेनिफिट आप सोच रहे हैं कि बेनिफिट पास करना है लेसर रेट ऑफ टैक्स का, तो एंटी प्रॉफिट रिंग वुड आल्सो बी इन्वॉल्व हियर इन। तो मुझे जो ओवरऑल लगता है कि रेट ऑफ टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दिया गया, लेकिन जो जो बेनिफिट है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही मिन्यूस्कल ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द एंड यूजर। दोस्तों ये जीएसटी ऑन रियल एस्टेट एट प्रेजेंट पोजीशन की बात है। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इसी स्ट्रीक को, अपनी इस एंडेवियर को, इस जर्नी को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।